और एक विशाल रैली का आयोजन किया था जो बैंका से कॉलेज से चलकर पुनौरा तक आई थी और पुनौरा में इसका समापन किया गया। इस रैली का मुख्य मकसद था जो सामाजिक कुरीतियां हैं, खासतौर पे बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम और नशा को उन्मूलन के लिए प्रयास करना। इसी कड़ी में आज बालक कुश्ती, बालिका कुश्ती के साथ ही आपने कबड्डी बालक और कबड्डी बालिका का भी आयोजन देखा। कुश्ती में खासतौर पे जो पुराने एक्सपीरियंस जो हमारे पहलवान थे उन्होंने अपने दाव दिखाए और युवा दोस्त पर जो पुराने एक्सपीरियंस है जो हमारे पहलवान है वो भारी पड़े और ये देखने को मिला कि ओल्ड इज गोल्ड, हमेशा जो पुराने और एक्सपीरियंस में होते हैं हमेशा अच्छा करते हैं। इसी के साथ आज का खेल का समापन हुआ, कल भी इसी तरह के सवेरे में आयोजन किए जाएंगे। आज 4 बजे सीतामढ़ी महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया जाना है, एनोवेशन किया जाना है। शाम 6 बजे से बॉलीवुड कलाकारों द्वारा दीप्ति सागर, फूल सिंह, प्रिया मलिक सहित जॉनी जो बहुत बड़े हास्य कलाकार हैं सहित आदित्य एंटरटेनमेंट के द्वारा यहाँ प्रस्तुति की जाएगी। रात के 10 बजे तक चलेगी। कल का आयोजन जो किया गया है उसमें खासतौर पर जो हमारे बिहार और बिहार के बाहर की लोक गायक गायिका और जो नाट्य से जुड़े हुए हमारे कलाकार हैं उनके द्वारा प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही जो हमारे लोकल जो आर्टिस्ट है जिनके हुनर बहुत अधिक है उनके द्वारा भी एक जलवा बिखेरा जाएगा। और तीसरे दिन यानी 20 तारीख को जो स्थानीय कलाकार हैं उनके द्वारा कवि सम्मेलन और बाद में जो हमारे जिला प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी हैं जिन्होंने बेसुरा संघ का गठन किया है उनके द्वारा भी प्रस्तुति की जाएगी। और सबसे अंत में जो विशिष्ट कार्य अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने किया है उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य मकसद यह है कि लोगों के बीच समरसता, एकता की भावना का विकास करना, खेल के माध्यम से युवाओं में जोश भरना, सही डायरेक्शन ले जाना और सीतामढ़ी महोत्सव और सीतामढ़ी जिस गंगा जमी तहजीब के लिए जानी जाती है वो एकता स्थापित करना। मेले में 25 स्टॉल लगाए गए हैं जिससे विभिन्न प्रकार के जो स्कीम्स है उसका प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा 4 ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई है, अलग अलग जो देसी हमारे जैसे आलू मिट्टी होगा सहित दूसरे जो आइटम्स है दही वड़ा या पराठा या फिर कुआ जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे ट्रेडिशनल जो फूड्स है वो भी आप लोगों को पहुंचा जाएगा, एक टेबल होगा। आयोजन काफी सुना माहौल में मनाया जा रहा है। बारिश के आने के बाद लोगों के चेहरे पे खुशी है, खासकर के किसान भाइयों के चेहरे पे, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सीतामढ़ी महोत्सव लोगों को जोड़ने का काम करेगी। बहुत